राजलाल पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के। स्वागत है राजलाल पटेल जी आपका न्यूज इंडिया पर। ये शराब जो अवैध तरीके से बिक रही है, बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि लोग कहीं से भी शराब लाकर कैसी भी जहरीली शराब पी रहे हैं और फिर मर रहे हैं। जैप के जवान भी मारे गए। जहरीली शराब अदर स्टेट में बिकने वाली है। जैसे कल मैं हिस्टिंग देखा, हिस्टिंग देखने के बाद मुझे लगा कि हरियाणा स्टेट में बिकने वाले दारू में जो झारखंड में बिक रही है, जो यहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं है। सबसे पहले मैं हरियाणा की दारू यहाँ तस्करी के लिए आई, इस पे रोक लगानी बहुत जरूरी होगी। और जो है वो अगर रोकेगी, अगर वो नहीं आएगा तो फिर अदर स्टेट की शराबें नहीं बिक पाएंगी, जहरीली नहीं होंगी, मरेंगे लोग नहीं। और रोकथाम के लिए विशेष अभियान भी झारखंड में जैसे चल रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ, अखबारों में देख रहा हूँ, उत्पाद विभाग भी कर रही है, लोकल स्थानीय स्तर पर पुलिस पदाधिकारी भी कर रहे हैं और कार्रवाइयां भी हो रही है। संतुष्ट जबकि इसकी नहीं संतुष्ट। सबसे बड़ी चीज है की अगर लोकल स्तर पे अगर देखा जाए तो लोकल स्तर पे पुलिस पदाधिकारी के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है की जो है लगातार शराब पे ही अभियान चल सके। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को दिन रात हर समय लगना चाहिए और करना चाहिए और विशेष अभियान चलाना चाहिए। वो जो है अगर वो तो चला रहे ना, एसपी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कौशल किशोर जी, वो कह रहे हैं कि हम स्पेशल चला रहे हैं, उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे ये मामले सामने आ रहे हैं। उनका तो यही कहना है। नहीं जी, उनका चल रहा है, उनका भी अभियान। मैं कहा कि लोकल स्तर पे अगर लोकल पुलिस स्टेशन में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा काम भी है, उतना नहीं कर सकते हैं। अगर जो है एक्साइज डिपार्टमेंट है, अगर मन से लोग करे, बढ़िया से करे, जो है दिन रात मेहनत करे तो जरूर इसमें कुछ लग सकता है। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, शायद ये बहुत जरूरी है। रामगढ़ के एसपी हमारे साथ कौशल किशोर जी जुड़े, थोड़ा सा और वक्त आपसे चाहेंगे। कौशल किशोर जी, अब जो लोग ये शराब बेच रहे हैं, अब होटल में परोसी जा रही है, क्या आप लोगों ने कार्रवाई की है उनके खिलाफ, ने गिरफ्तार किया या फिर नहीं? जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक अभियान के तौर पर झारखंड पुलिस